गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी झाड़ू सुबह सुबह झाड़ू लगा ले रही हूँ गाइस। तो अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ पानी यहाँ नहीं गिर रहा है गाइस, जिसके कारण आंगन मेरा सूख चुका है। और ऐसे तो काय वगैरह लग चुका है गाइस, क्योंकि हमेशा यहाँ पानी जमा हुआ रहता था, जिसके कारण काय पूरा लग गया, पिछलन टाइप के हो गया था गाइस। और अभी दो तीन दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं गिर रहा था, जिसके कारण धूप से थोड़ा पानी सूख गया गाइस। तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा झाड़ू लगा दे रही हूँ और सूखा हुआ है गाइस। तो मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा लिपाई वगैरह भी कर देती हूँ। तो देखिए गाइस, मैं पहले आंगन का झाड़ू लगा ली हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने घर पे। और घर में थोड़ा सा धो ले रही हूँ गाइस, बाकी दिन मैं थोड़ा सा पोछा वगैरह लगा देती थी, पर मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा धो देती हूँ। और धोने से क्या होता है ना गाइस, जो भी ज़्यादा कचरा वगैरह रहता है कोना वगैरह में, तो धोने से सारा निकल जाता है और पोछा लगाने से नहीं उतना निकल पाता है गाइस। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि हफ्ता में एक दिन धो देती हूँ। तो देखिए गाइस, मेरा धोना पोछना भी हो गया था और मैं सारे रूम की पोछाई कर दी थी गाइस। उसके बाद मैं बरामदे का थोड़ा सा धो दे रही हूँ। और धोने के बाद मैं गाइस थोड़ा सा सेंटेक्स हम है और इसमें हम लोग पानी वगैरह भरते हैं गाइस, पीने वाला पानी। और हमारे यहाँ पीने वाला पानी चलता है गाइस, और पीने वाला पानी से ही मेरा सारा काम होता है, नहाना फिचना जो भी काम होता है गाइस, पानी से मेरे यही पानी से सारा काम होता है गाइस। तो मैं सोच रही थी कि हफ्ता में एक बार सिंटेक्स को धो देती हूँ, क्योंकि पानी थोड़ा सा गंदा वगैरह हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आज धो देती हूँ और आज पानी खुलेगा, तो इसीलिए मैं सोच रही थी गाइस कि आज धो के उसके बाद साफ़ वगैरह कर देती हूँ। और गाइस वैसे भी अभी नवरात्रि आने वाली है गाइस, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई में जुट गई थी और आंगन का पहले सफाई कर ली थी गाइस। जितना भी था घास वगैरह था वो भी मैं आंगन का साफ़ सफाई पहले कर चुकी थी और आज लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। और जो भी आज थोड़ा सा गीलन वगैरह सेंटेस वगैरह का इसमें ये सब भी धो ले रही हूँ। और बचेगा थोड़ा सा डब्बा वगैरह जो मसाला वगैरह चीनी वगैरह का रहता है गैस, उन लोग को भी धो दूँगी, पर अभी समय नहीं है मेरे पास। अभी सुबह सुबह का सारा काम हो रहा है। तो देखिएगा इसमें सेंटेक्स धो ली हूँ और इसमें जो पानी खुलेगा गैस तो इसी में भर लूँगी, क्योंकि हम लोग इसी से पीने वाला पानी पीते हैं गैस। तो इसीलिए हफ्ता में एक बार धो देते हैं इसको और धो के ही भर लेते हैं, के बाद सैरा वगैरह में जो बचता है पानी गैस तो सैरा वगैरह में भर लेते हैं नहाने वगैरह के लिए। तो देखिए गैस, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा धूल वगैरह जमा हुआ था, क्योंकि सेंटेक्स रखा हुआ रहता है गैस। तो यहाँ थोड़ा सा अंदर में जहाँ हम लोग सेंटेक्स रखते हैं गैस, तो वहाँ पर हम झाड़ू लगाने में नहीं बनता है, क्योंकि बहुत भारी रहता है गैस, तो हटा के उसको झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ और नहीं हटता है गैस हम लोग से। इतना बड़ा सिंटेक्स है और इसमें पानी भरा हुआ रहता है तो नहीं हटता है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी अंदर में नहीं लग पाता है, तो आज थोड़ा सा हटा दिए थे, हटा के धो लिए थे गैस। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि यहाँ भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ और वहाँ से उसके बाद झाड़ू जो लगाई थी गैस, तो थोड़ा सा कचरा वगैरह धूल था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से पोछा वगैरह लगा देती हूँ। ऐसे तो मैं पोछा सुबह ही लगा लेती थी गैस और पोछा भी लगा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि जब सिंटेक्स धोई हूँ तो यहाँ का कचरा भी साफ़ कर देती हूँ। तो इसीलिए मैं धो के उसके बाद आ गई थी इधर रूम में गाइस। और मेरा बाबू यहाँ थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर रहा था सुबह में, तो पानी गिरा दिया था गाइस बेड पे ही। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा धूप है तो बेड और बेडशीट डाल देती हूँ धूप में, और साफ़ सफाई भी मेरा हो जाएगा। और ऐसे ही बेड धोया हुआ था गाइस, रजाई वगैरह सिर्फ बेडशीट ये सब धोना था, तो इसीलिए मैं आज धूप था गैस तो पानी भी गिरा हुआ था, बाबू गिरा दिया था नाश्ता, जिस समय सुबह सुबह नाश्ता कर रहा था तो बेड पर ही देख रहा था कार्टून। और सुबह जब भी नाश्ता करने बैठता है गैस,
तो देखिए गाइस, मेरा घर का सारा काम हो चुका था, जो भी काम रहता है सुबह सुबह का सारा काम मेरा हो चुका था गाइस। उसके बाद मैं नहा लेती, नहाने के बाद मेरा डेली का रूटीन है अगरबत्ती वगैरह जलाना, तो आज अगरबत्ती नहीं था तो इसलिए मैं धूप ही जला ले रही हूँ। और उसके बाद गाइस मैं आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि सुबह मैं नहाई थी तो बाबू भी नहाया था गाइस, तो बाबू नहाया था, उसका भी कपड़ा था, मेरा भी कपड़ा था गाइस, तो इसलिए मैं नहाने से पहले तो चार कपड़ा था मैं धो ली हूँ उसको, और उसके बाद मैं नहाई थी तो वही अगरबत्ती वगैरह जला के गाइस मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह धूप रहता है तो सूख भी जाएगा गाइस, तो इसीलिए मैं सुखा दे रही हूँ टंगने पर। और उसके बाद गाइस मैं चाय वगैरह पी के उसके बाद तैयार हो गई थी आंगनबाड़ी जाने के लिए। और आज मेरा बाल खुला हुआ है गाइस, क्योंकि बाल धोई थी तो आज भींगा हुआ था बाल गाइस, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चोटी वगैरह नहीं की हूँ, क्योंकि मैं बाल भींगा हुआ रहता है गाइस, उसे ही मैं चोटी करके आंगनबाड़ी चली जाती हूँ, तो दिन भर भींगा हुआ रहता है जिसके कारण मेरा सर में दर्द हो जाता है गाइस। और सर दर्द बहुत दिन से हो रहा था, तो कुछ दिनों से अभी ठीक है गाइस। तो देखिए मैं पहुंच गई हूँ आंगनबाड़ी, और अभी ताला लगा हुआ है गाइस, तो मैं इसीलिए चली आई थी तैयार होकर आंगनबाड़ी, और अभी मैं खोल दे रही हूँ। और मेरे आंगनबाड़ी के पास बैठा हुआ था बकरी का बच्चा गाइस, बहुत ही क्यूट लग रहा था, और बकरी का बच्चा और उसकी माँ भी था गाइस, तो यहाँ पे छांव था थोड़ा सा इसीलिए बैठा हुआ है गाइस, तो क्यूट ही क्यूट सा बच्चा था। और देखिए गाइस मेरा आंगनबाड़ी अभी पूरा खुला नहीं था, तो इसीलिए मैं आ गई थी खोलने के लिए, और अभी बच्चा वगैरह आया नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह ही 8 बजे आंगनबाड़ी खुल जाता है गाइस। तो हमारे आंगनबाड़ी में बहुत ही छोटा छोटा बच्चा है गाइस, उसको बुला के पर डे बुलाना पड़ता है गाइस, तो तभी आता है बच्चा लोग, तो इसलिए मैं पहले आ जाती हूँ उसके बाद जाती हूँ बुलाने के लिए। तो देखिए गाइस मैं आ गई हूँ, छुट्टी हो गया था गाइस, तो मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद थोड़ा सा कोयला ली थी गाइस, तो कोयला लेने के बाद मैं सोच रही थी कि आज छुट्टी हो गया तो उसको पोड़ा लगा देती हूँ। और यहाँ पे धूप था गाइस, क्योंकि धूप 1 बजे या 1:30 बजता होगा गाइस, तो धूप था बहुत ही, और उसी समय मैं जा रही थी थोड़ा सा पोड़ा लगाने के लिए गाइस, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए पोड़ा नहीं था, तो मैं आज खरीदी थी कोयला गाइस, तो इसीलिए मैं आंगनबाड़ी से आने के बाद जा रही हूँ थोड़ा सा भट्टा वगैरह लगा देती हूँ। तो देखिए गाइस मैं भट्टा लगा दी हूँ, और कोयला ली थी गाइस, ये भी खरीद के कोयला लेना पड़ता है यहाँ पे, तो मैं लगा दी हूँ, और उसके बाद जा रही हूँ थोड़ा सा खाना वगैरह खा लूँगी गाइस। तो उसके बाद देखिए गाइस मैं खाना वगैरह खा ली थी, और आंगनबाड़ी के बाद आने के बाद मैं फिर से जुट गई थी अपने काम में, क्योंकि थोड़ा सा आज धूप वगैरह है गाइस, तो आज थोड़ा सा गोबर लाई थी, और बाबू का जो बेड था, बेड पे जो पानी गिरा दिया था गाइस, वही मैं सूखने के लिए सुबह डाल के चली गई थी, तो मेरे आने के बाद सूख चुका था बेड, तो वही मैं बांस पे टांग दी थी, तो इसीलिए बांस थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ गाइस। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा निपाई के लिए तैयारी कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं गाइस मेरा आंगन किस तरह से लग रहा है अभी, और बरसात में इसी तरह लगता है गाइस, और थोड़ा सा ठंडा और गर्मी में थोड़ा मेरा आंगन थोड़ा ठीक लगता है, और बरसात में जैसे कि यहाँ पे नदी बना हुआ रहता है गाइस, और पानी हमेशा जमा हुआ रहता है यहाँ पे, क्योंकि निकलने का थोड़ा सा जगह नहीं है पानी गाइस, तो बरसात में हम लोगों की बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में भी दिक्कत होती है गाइस, और यहाँ पे थोड़ा सा चलने में भी डर लगता है बरसात में, क्योंकि यहाँ पानी जमा हुआ रहता है जिसके कारण यहाँ पे काय लग जाता है, और बहुत ही पिछलन टाइप के हो जाता है गाइस। तो कुछ दिनों से अभी पानी नहीं गिर रही है, कम से कम 2 से 3 दिन से अभी पानी नहीं गिर रही है गाइस, तो आंगन मेरा सूख चुका है, और अभी कड़ा धूप था गाइस, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सी लिपाई कर देती हूँ, और थोड़ा सा आंगन भी ठीक लगेगा, क्योंकि काय वगैरह है गाइस, तो अच्छा भी नहीं लगता झाड़ू वगैरह लगाने में, और थोड़ा सा लिपाई कर देने से क्या होता है कि आंगन थोड़ा सा सुंदर लगता दिखने में, और अभी ठंड आने वाली है गाइस, तो इधर लिपाई कर देती हूँ, तो इस आंगन में हम लोग बैठते हैं, धूप सेकते हैं गाइस, नहा हुआ के यहाँ पे चटाई बिछा देते हैं, तो यहाँ पे बैठने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आंगन निपाई रहता है गाइस, तो सुंदर भी लगता है देखने में।
तो देखिए गाइस, मेरा आंगन आधा नीप आ चुका है और थोड़ा सा और बाकी है गाइस गेट तरफ है, और इधर भी थोड़ा बहुत घास था तो इसको मैं निपाई करने से पहले थोड़ा बहुत घास था गाइस तो उसको उखाड़ के फेंक दी हूँ, और थोड़ा सा झाड़ू लगा के उसके बाद मैं निपाई में जुट गई थी, क्योंकि आंगन निपाई हुआ रहता है गाइस तो बहुत ही सुंदर लगता है और अच्छा भी लगता है, और ऐसे देखने में इतना ख़राब लगता है गाइस मेरा आंगन, एकदम बैठने का मन नहीं करेगा। और तो देखिए गाइस, मेरा इधर का निपाई हो चुका है, सिर्फ गेट का निपाई बाकी है और थोड़ा सा और निपाई हो जाएगा गाइस, और शाम भी हो चुकी थी क्योंकि थोड़ा उधर से आने के बाद मैं थोड़ा देरी आराम की थी गाइस, और खाना वगैरह खा के थोड़ा देरी बैठ गई थी, और उसके बाद मैं फिर से जुट गई थी अपने काम में, क्योंकि पोड़ा वगैरह भी लगाना था तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा सी निपाई कर लेते हैं, उसके बाद जो पोड़ा लगाई थी गैस उसको अंदर करूँगी, और भी कुछ काम था गैस, पानी वगैरह भी नहीं था पीने वाला तो इसीलिए मैं सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपाई कर रही थी गैस, क्योंकि थोड़ा सा और भी काम था गैस। अभी नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि में थोड़ा सा साफ सफाई रहता है तो दिया बत्ती भी जलाने में अच्छा लगता है गैस, और 15 तारीख से नवरात्रि भी शुरू है तो इसीलिए मैं तो सोच रही थी कि और साफ़ सुथरा भी रहेगा तो अच्छा रहेगा गाइस, तो इसीलिए मैं पहले घर आंगन का साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा डब्बा वगैरह रहेगा गाइस तो उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो देखिए गाइस, मेरा निपाई हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि पहले मेरा आंगन कैसा लग रहा था, दिखने में गाइस बहुत ही ख़राब लग रहा था क्योंकि पानी वगैरह जमा रहता था तो यहाँ से तो काय बना हुआ था, और निपाई कर दिए हैं गाइस गोबर से तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, और दीवार में थोड़ा काय काय है गाइस और पानी गिरा है जिसके कारण काय लग गया है तो